Hi, Hi guys, guys, Iman, Momin. Welcome to another exciting episode of What's Up for a जी हाँ हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया बहुत इंजॉय किया ईमान क्या रही फीडबैक सबसे पहले लोगों ने कहा थैंक यू आने का और अपन हाँ। छुट्टी नहीं की इवन तो शो थोड़ा छोटा था लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया हाँ लोगों ने बहुत प्यार दिखाया लोगों ने कहा प्लीज अगर रैंडम बातें हाँ। करते रहे पॉडकास्ट स्टाइल कर ले कुछ भी कर ले बस आते रहे अच्छा, हालांकि लास्ट वीक हमने खुद किया था ये वादा अपने आप से आज शो खेचेंगे पर पता नहीं खेचना

क्या ये क्या है लोगों ने ऐसी बात पे क्या मोबाइल आप इंडस्ट्री से बस बातें करते करते बाप बड़ा फिल्टर हो गए हैं बाप सारी बातें खुल के नहीं बताते करनी थी तो हम खुल के बात करते जो आपको हाँ। फोन पर पता चला था आपने भी तो ऐसे उड़ते उड़ते जो आप घबराए थे हम भी घबरा लेते साथ ने कहीं ना कहीं आपको एक चलना पड़ता है सिस्टम है उसके हाँ। उसका आप हिस्सा होते हो आपको आप खुद ही सोचे अगर हम ये बात बता देंगे हमें अगली बात नहीं पता चल सली की आप सोचे बड़ी गेम का सोचे अंदर रह केवर अबे इधर उधर की सब बातें देखते हुए थोड़ा थोड़ा फिल्टर रखते हाँ। हैं आप तो बात पहुंच जाएगी। ये नहीं कभी वक्त <laughs> है <कि> ओ, था। <laughs> तो उसके बाद साइड हो जाएंगे हमें कुछ बचते रहे में तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बीच में आपको देखना है कहाँ पे आपको बात करनी है अभी भी आए ऑने की हम लोग बहुत बातें बोल जाते हैं तलवार निकाल लें लोग चाहते हैं लोगों पता 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 नहीं पालो से की सीट, की सीट की, पता नहीं नहीं से के के क्या मुझे क्या मुझे अंदर अंदर वो एक आग क्योंकि कि उसका नाम पता उसने क्या किया और फिर जो कभी बता भी उसमें भी मसला होता है पता नहीं मैं है तो मैं बात रिपीट करूं मैं इतना अप्रिशिएट करता मैं होता कि है ऑडियंस की लोग हैं इंडस्ट्री में हैं लोगों को मिलते हैं दोस्तियाँ है,

अब जिस तरह के आर के सलमान खान की मिट्टी पीत करे ना हाँ। वो उनका चल है, है।, है। किसी ने शो ना देखो क्लिप काटते हाँ। हैं तो इंडिया और की बड़ी जंग शुरू हो जाए <laughs> की पाकिस्तानी बैठे उनका ईगो पे लग जाता और इंडियन मीडिया बहुत स्मार्ट है एडवांस भी है कुछ ऐसे बड़ी से पकड़ शेट्टी की याद है अम्मी की थोड़ी ये थी बिग बॉस में अल्लाह वो क्लिप पता नहीं कहाँ पहुंच गया आगे लग गई उनका कॉमेंट भी

पिक्चर मैं तस्वीर, हूं ताकि तस्वीर की दहशत में मेरी डाइट रहती है

की दुनिया में गुण गुण ना भी लड़कों का बेट ज्यादा जल्दी गिरता है

इस वक्त मेरा ये मानना है कि आप बस करने को क्या है अगर खाना ना जिंदगी में क्या बचता है हफ्ते डाइट करके जिंदगी को एंजॉय करें जो सालों से डाइट करें वो जिंदगी में नहीं जो है मेरा पॉइंट आप घर से बाहर निकलते हो सड़क पे ठीक है हुँ. किस दोस्त को मिलते हो आप क्या करते हो बता मुझे क्या करते हो तो खेलो गेम नाइट करो

है ना वो अगर आपका वेट वैसे गिरा अभी ना करो ताकि जब आपको बॉडी को असली में शॉक देने की जरूरत पड़ेगी ना तब आप शुरू करना क्या इमान और कुछ फीडबैक है और कोई फीडबैक नहीं शो की तरफ चले खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दें इमान ने मुझे खास तौर पे कहा था क्या शो हमारा स्टार्ट थोड़ा होगा एक थोड़ा मेलो नोट पे होगा और पहले कुछ दो तीन न्यूज़ है तो शो था। स्पेशल बताने को स्टार्ट करें फिर शो का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अभी फिरोज खान और अलीजे के बारे में आप सब जानते हैं काफी देर से केस चलता हुआ रहा था फिरोज ने बच्चों की कस्टडी को लेकर केस किया था इसका नतीजा सामने आ चुका है मान क्या है अपडेट अपडेट बेसिकली है कि फ़िरोज़ को सुल्तान मिल जाएंगे और अलीज़े को फातमा मिल जाएंगी दोनों बच्चे अलग हो गए हैं मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ लगा ये क्या उन्होंने इतनी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है पहले मैं बहुत खुश थी जब मैंने आज भरोई की वीडियो देखी कि फाइनली सुहा हो रही है फिरोज़ खान और अलीज़ फातमा के बीच में सुला हो गई है। उन्होंने 18 बाद, 2022 पहले स्टार्ट हो बड़ा एक अच्छे नोट पे हुआ है अपने कोशिश की कि कि हम को पेंटिंग करेंगे ईदों पे मिल सकते हैं बर्थडे से मिल सकते हैं कोई कॉल करनी है तो आपस में कॉल भी कर सकते हैं अलीजे को एक डर था कि वो बच्चों को लेकर बाहर ना मूव हो जाए तो कभी वेकेशन पे जाएंगे तो अलीजे फिर से ही बच्चे जा सकते हैं और पैसों में भी फिरोज मान गए कि वो अलीजे को फातमा के लिए देंगे और 10 इंक्रीज होता जाएगा हर साल फातमा के लिए छहत्तर हजार रुपए हर माह हर साल जो है दस परसेंट इजाफा होगा तो अपनी तरफ से उन्होंने थोड़ी कोशिश की है कि सब कुछ सही हो इलनेस एजुकेशन हर चीज पे फिरोज पैसे दिया करेंगे अलीजे को और सुल्तान तो अबिस उनके पास है तो वो करेंगे ही करेंगे बेसिक बात है कि बच्चे दोनों लैदा हो गए हैं हैं बच्चे दोनों लैदा हो गए और मुझे बस ये है कि बच्चों की जो पूरी सारी अप्रिंग अभी ये जो टाइम है पहले माँ बाप को देखना तो कि कि वो अलग बहन भाई का बॉन्ड होता है पहले बाप को देखना वो लैदा हो गए आपस में एक दूसरे का सहारा बनते वो भी नहीं है फिर फिर अब जैसे सुल्तान है वो छोटी बहन को वो थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी लाइफ में कुछ बदलती है कुछ करती है तो दोनों का आपस में बॉन्ड बॉन्डम कर लिया अब हफ्ते में एक बार बात करेंगे लेट्स से मिलते भी हैं तो वो थोड़ी होते हाँ, है जो, अब जो रहते वो डेली रहने वाला होता है तो मुझे अभी तो वापसी छोटे इतना आइडिया नहीं होगा बड़े तो बड़े होंगे तो मुझे नहीं समझ लगा क्या ये अच्छा जब ये आ, बात आई सामने मंजरे आम पे तो उसके बाद फिरोज खान ने एक पोस्ट और इंस्टाग्राम पे अपने बेटे के साथ और कहीं न कहीं उसमें वो एक खुशी का इजहार कर रहे हैं और लोगों ने कमेंट हाँ। भी किया था कि ये सेलिब्रेशन ये का वक्त नहीं फिर खुशी की बात है फ्रोज, के अपना खुश थे कि तो वो में मुझे लगा कि अभी आपने बच्चों का नहीं सोचा अपनी खुशी मनाने लग गए कि बच्चों के साथ क्या मेरा पता जनरली मेरे कुछ सवाल है यहां पे ये मेरा मानना है इसके ऊपर कि एक बच्चे की बेहतर कर सकती है Idley, एक मुकम्मल फैमिली हो माँ मा, बा, बाप बट अगर चुनना बड़े तो माँ स्पेशली शुरू के सालों में माँ बेहतर कर हाँ, सकती हाँ, है एंड सेकंडली फिरोज खान जो है वो एक एक्टर है ठीक है हुँ. उनका जो स्केड्यूल है जो उनका काम है खुद बात बहुत कि वो शूट पर जा रहे हैं लेट वापस आ रहे हैं वर्किंग आवर्स ऑफ है

बस आई हो कि बच्चों के लिए कुछ हल निकल आए कि बच्चों का आपस में बॉन्ड खराब ना हो इनकी शायद अगर एंगल में तो तो आपस आप तो तो में मिलेंगे तो 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 ईदों पे कॉल पे, पे, पे। तो अक्सर ऐसा भी होता है अभी तो कोर्ट का आया ना जो भी सेटलमेंट उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते उस पर भी तो है कि अब पैसे देने फिर हर हाँ। मत दे देंगे क्या ये आपस में क्या रहते है कोर्डियो लोग चलते है कि नहीं चलता तो वो भी देखना जरूरी है अभी तो बस

अच्छा मान के पास एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी पास थी एक सेशन नहीं, नहीं मेरे पता नहीं है, वो मेरे अपने आइडियल हाँ। वर्ल्ड में था कि अगर इस तरह पॉसिबल हो कि सब बड़े रह सके सारे एक ही घर में रहें अलग अलग कमरे हो जाए फरोज कर ताकि एक ही घर मिले माँ बाप मिले अनु शादी करनी होगी जो मुझे बड़ा सैड लगता है जब शादी होती है बच्चों की जब नई फैमिली स्टार्ट हो जाती है जो पहले बच्चे होते हैं वो बेचारे बहुत निगलेक्ट होते हैं बट अगर नहीं होता इस तरह शादी वाला ब्याह नहीं होता तो एक अच्छा हो जाता और बच्चे छोटे उनको पता भी नहीं चलता एक उनका अपना रहता है कमलता लीजिए अपनी लाइफ को जी रही होती फिर रोज अपने काम कुम पे जा रहे तो होते बच्चों के लिए एक होता कि भाई माँ बाबा दोनों घर में है बट खैर ये मेरा एक अपना फैंटेसी वर्ल्ड में था कि अगर इस तरह हो सकता तो हो सकता आप लोग भी अगर कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं इस केस के रिलेटेड तो आप करिएगा मैं जरूर पढ़ूंगी आगे बढ़ा आगे बढ़ते हैं भी बात करते हैं एक और थोड़ी सैड खबर ही है हालांकि खबर काफी देर से आती जा रही है कुछ इसमें प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई बट आई थिंक कहते अकलमंद को इशारा काफी है बात हम तो हैं आगा और हिना के रिश्ते के बारे में तो अभी आगा का एक, एक और इंटरव्यू है जहाँ पर उन्होंने फिर से बात की कि मैं मैं रहता रहता और अब मैं अकेले रहता हूं। तो ईमान आप बताइए क्या हुआ? सब ने फिर से बात पकड़ ली तो हजार दफा बात आ चुकी है जब इवन हिना हॉस्पिटल में थी तब आगा ने कुछ इतना खास नहीं किया था हिना के लिए आपको नजर आ रहा था दोनों मतलब अलहदा हो गए थे कुछ आपको पता चल रहा था कि स्टोरीज में इस तरह नहीं आ रहा कि वो भी उनके पास है कुछ हॉस्पिटल में इकट्ठे पिक्चर आते कुछ होता इवन आगा पहले एक शो में गए थे ताबाशाली वो भी मैंने देखा था लास्ट टाइम जो हमने बात की थी

हालांकि अगर आपको बात याद हो जब आगा हिना ने इकट्ठे तब यही बात बोली थी कि हम लोग कोई एक था था तो बात है कि आपकी हाउस ना इसलिए हाउस के बहुत बड़े मसले होते हैं तो है नीचे कॉमेंट मेरा जब याद है इकट्ठा आया इंटरव्यू ने तब भी कहा था हाउस नहीं रखते हम इस बार खुद ही करते हैं हमारे घर पर कोई हाउस हेल्प नहीं है There हाँ। there there is 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 nobody nobody to to clean, cook, डूटियाँ बांटी हुई थी उन्होंने बताया था वो कहते हैं, नहीं रखते, हम हाँ, काम करते हैं तब दोनों की ड्यूटीज बढ़ती हुई थी अभी एक ही बंदा करता हूँ बाकी अभी ये जो भी है

क्योंकि अब लास्ट रिलेशन जो पब्लिक में आया वो सिर्फ आसिम वाला है सब ने कहा आई ऑनेस्टली डोंट फील इट्स फॉर आसम मैं पता नहीं मैंने सबके ना कमेंट सेक्शन पढ़े एक सिनेक और टिड्डी ले गई मैं टिड्डी मेकअप बैग ले गई अब मैं लोगों <laughs> के कमेंट्स उतार रही हूं तो <laughs> हर <laughs> हर जगह आप खुद कौन से मीता बच्चन है बट किसी ने उसका लिखा था तो बड़े कमेंट्स बड़े मजे के होते लोगों के तो नीचे कमेंट्स अच्छा अच्छा एम फर्स्ट आई डोंट थिंक इट्स फॉर आसम आपके का टेक है आई थिंक इट कैसे इतनी पानी बाद उसे क्यों करना है पता लोग कह रहे हैं कि वो उसने पिक्चर्स देखिया को खुश होते हैं उनकी शादी होने वाले नहीं पर बटने को एकदम थोड़ी ये बात मुझे थोड़ी सी फील हुई थी अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है क्योंकि एक्टर्स अपनी निकाह वगैरह छुपा लेते है। और हैं और इवेंचुअली एक दिन आगे बताते हैं हमारा हो गया था बट हुआ पहले होता है दे 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 का नहीं कहानी हाँ? में नहीं है कि उनकी जो इंगेजमेंट वगैरह हुई थी ना आसि हाँ? मीरब की अपेरेंटली हानिया के ब्रेकअप के फौरन बाद हो गई थी तो हानिया को तब से दुख है कि चलो ठीक है अगर इनकेस उन्होंने करना भी था क्योंकि मीरब उनकी बेस्ट फ्रेंड थी इतनी जल्दी ही हो गया बट अब हमें आसिम की साइड तो स्टोरी नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि हानिया की साइड से कुछ बुरा था क्या था दोनों के हा की साइड सुनेंगे तो हान उसमें बिल्कुल लाइक एक एंजल होंगी और आसिम ही होंगे और अगर आसिम की सुनेंगे तो उसमें हानिया डेविल तो वैसे हमें नहीं पता किसका डेविल मेरा यारिया बातें चलती है वो. हाँ, Again, सुने -सुने बाते हैं वो अगेन सुन सुन बातें हैं इंडस्ट्री कहानी में तो <laughs> अब मैं कुछ अब बोल नहीं सकती मुंह में फिर रोक दिया मान को हां मैं अब मैं क्या बोलूं ना बोलिए आप <laughs> आगे बढ़ते हैं बात करते हैं भाई एक फिल्म की जी हां बात करें एक फिल्म की जो बहुत साल पहले आई थी बट खबर अब नहीं ये आई है कि उस फिल्म में किसने होना था जी हाँ बात कर रहा हूँ मैं फिल्म वर्णा के बारे में फिल्म के लीडिंग मैन हारून शाहिद का आया एक इंटरव्यू जहाँ पे उन्होंने किया एक इनकशाफ कि फिल्म में आपने माहरा खान को तो देखा था बट माहरा खान से पहले ये रोल असल में किसने प्ले करना था? करीना, कपूर खान। शुए me, uh, करीना कपूर भी होंगी फिल्म में तो मैं अच्छा जी हाँ उन्होंने बताया कि रोल करीना कपूर खान ने प्ले करना था बट शीट मैरिड प्रेगनेंट ऑवर रोल ना कर सकी शादी हो गई एंड एक्सपेक्टिंग और रोल फिर किया

कोई है। करते, कुछ भी हो जाता है, मैं भी ने नहीं होता है कि कौन पता करेगा किसने कर ने करके ये, लोगों ने कि ये भी गलत ही है हालांकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मुझे अच्छी तरह याद है दो हजार ग्यारह बारह के टाइम पे ना

अगेन उसको बड़ा पसंद किया गया और करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वॉन्ट टू वर्क विद शोब मंसूर जिसके ओ, बाद ओ, ये बात थी कि इनकी आपसे बात चली हा, और करीना कुछ तो शायद एक आर्ट सा रोल करना चाह रही है कुछ हा, हा, अपने एक्टिंग अपनी एक्टिंग चाह रही है हा, 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 उसके हा, बाद ये बात बिल्कुल चली थी उसके बाद रोल ना हो सका और वर्णागी वर्णा आ गई वरना को देखने के बाद क्रियना गाँव को शुक्र रोल नहीं हो सका उनकी इतनी अच्छी मूवीज है वरना थोड़ा उनके लिए कलंका टीका बन गई वो पता नहीं बहुत जल्दी में बनी क्या बहुत... थी। स्टोरी बहुत वीक थी बहुत वीक स्टोरी

मैं खुद सारी बातें जानना चाहूं अभी रमजान में बैठ के चुन्नी टका के साइड पे आप क्या इधर

करेंगे, नादे तुम गई थी ना 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 इंडिया सभा <laughs> हिंदी मीडियम करने उसके बाद कुछ 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 पूछेंगी ना, तो तो के एक नादे को भी शोर दिया जाए आगे बढ़े हम बात बात करते करते फिल्म की तो बात करते है कुछ फिल्म की हैं जी फिल्म्स सबसे पहले आप सब के लिए बहुत बड़ी खबर मैंने बताया था कि ईद पे आ रही थी

और कही रहे की शे दिल के बहुत से गाने भी इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं हाँ हाँ। वो जो गाना था झुमु उन्होंने तो शूट नहीं किया इस गाने को बस थूड़ी दुमका अब, अभी मैं बताऊंगा इस पे अच्छा, मान। आप जरा आगे ना बढ़िए अभी अच्छा, आएंगे इस बात पर एक और इनके साथ होगा अच्छा, वो के इन... तो ये वाला गाना भी इस्तेमाल किया और दूसरा गाना भी था जो यारो आज रात दिल की, की दिल की बात वो तो भी इस्तेमाल किया लेकिन जो अंदर की खबर है वो खबर ये है कि ये एक फिल्म नहीं है ये एक टेलीफिल्म है लेकिन इस में लगेगी उल्लू बनाया बड़ा मजा आया बेसिकली इसको एज ए टेलीफिल्म शूट किया गया था जो लगी कि टेलीविजन पे आएगी जियो के लिए सुनने में आया कि ये बननी थी उसके बाद ये टेलीफिल्म जब बन गई तो मेकर्स सोचा क्यों ना हम इसको सिनेमा में लेकर जाए ना? अपने उन्होंने गाने इस्तेमाल किए हाँ। पुराने कि तुम तो लाख भी कमा ले ठीक है हमारे <laughs> <पे>। <laughs>

मैं ये कह रहा हूँ ट्रेलर था पूरा वो बड़ा बिखरा बिखरा सा था बड़ा कुछ पेल, कुछ मोड फनी थे पहला डायलॉग था गरीब की छत लीक होती है और अमीरों की वीडियो लीक होती है एक गरीब और एक अमीर दोनों की चीजें लीक होती हैं उनकी वीडियो उनकी छत हाँ. गरीब की छत और अमीर की वीडियो हमेशा लीक होती है सो so फनी <laughs> 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 वो भी था पता नहीं के पता नहीं प्यार बीमारी है

क्या मैं अच्छा, की बात करूं? आगे बढ़ो कुछ खैर बात कर ईद उल फितर की तो एक और इंकशाफ हाँ एक चौथी फिल्म भी आ रही है <laughs> आ रही है बात जी हाँ टेक्साली गेट फिर से आ रही है सिनेमा घरों में वापस वापस गेट की वापसी हो रही है हाँ। जी हाँ, फिल्म फिर से री रिलीज होगी ईद उल फितर के मौके पे और ट्विस्ट यह डायरेक्टर्स लगेगा हाँ। अब उनके दिमाग में नाम था फिल्म का जैनब हाजिर हो कि मेहरबानों की कहानी है और ऑब्वियसली साथ जब आप फिल्म को रिलीज करते हो तो कुछ चीजें हाँ। आपको कट करनी पड़ती है कुछ आपको पैसे लिए पड़ते हैं कि फिल्म की बेहतरी के लिए बट आप फिल्म क्योंकि चल चुकी है लोगों ने पसंद किया बदलते नाम

कि जो चीजें बीप होंगीं वो हो बीप ना हाँ। सेंसर बोर्ड ना माना सेंसर हाँ। बोर्ड ने वाव फिल्में उन्होंने वो इकबाल इकबाल सेन वाली हाँ। थी ना उसमें भी इतना कुछ किया था सेंसर बोर्ड ना माना

की और सब झूमे थोड़ा थोड़ा गाना क्यूट सा है वो जो सिचुएशनल टाइप होता है पीछे सब कुछ चल रहा है एक गाना एक कॉमन पढ़ा मैं नीचे गाने पे मैंने भी पढ़े थे। आपको समर जाफरी को लेके हाँ मैंने तो आजकल मैं सिर्फ क्योंकि <laughs> पता है एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा बता दूं। उस, उस ने मेरे दिल की बात बोल दी कमेंट्स के थ्रू को थ्रो तो किसी ने बोला और आप खुद नहीं ये तो मेरे दिल की बात भी थी मतलब समर जाफी बहुत हाँ, उभरता नाम वो एक सिंगर है एक्टर है तो आई वाज लाइक उन्होंने भी कहा कमेंट था समर सीरियसली गाइस

आपको एक और गाना में दिमाग बढ़ चढ़ा हुआ है कौन सा ची दे के तो वाईफाई वाई 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 के, के सिग्नल कम है ची दे के तो वाईफाई वाई के सिग्नल कम है अरे कहाँ था डबल मीनिंग अभी। <laughs> नहीं फक्स डबल मीनिंग आना है रमजान की वो स्टीरो की सीधे के वाईफाई वाई वाई के सिग्नल कम है

इसको लिखा और डायरेक्ट किया कंजा और अमार लसानी ने जो इससे पहले 2019 में गुम बना चुके जिसकी कास्ट में शामिल थे समी खान और शमून अब्बासी उसके बाद 2023 में आई द विंडो जहां पे फरहान तायर और समी खान और अब आ रही पोपे की वेडिंग इसमें क्यों नहीं है समी खान समी का प्रॉब्लम एक

ईद पे हर चीज चल जाती जैसे है ईद के मौके पर आज हाँ, रोम कॉम मस्ती कौरसी होगी

थोड़ी जोड़ी जोड़ी है, थोड़ी हाँ, जोड़ी है। है हाँ, डिफरेंट लेट्स सी क्या ये जादू करते हैं हाँ, पे, आई थिंक बात के लिए हमने बहुत सी फिल्म्स की या बात करते हैं कुछ टेलीविजन ड्रामास की बस अगले स्लेट आ रही है को आ चुके आप पे ईमान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कुछ टीजर्स की बात करने के लिए तो सबसे पहले मान किसकी बात करें रात की प्लीज मुझे की बारे में बात करनी है इनके जो आए हैं सबसे पहले बार तो शीशा तोड़ने वाला बड़े मजे के हमेशा होते हाँ। हैं तो उनका कहान नहीं होता मुझे हमेशा बांध लेते हैं अपनी तरफ मैं पहले वापस मोड़ देती हूँ क्योंकि टीजर से लगता है पता नहीं यूथ देखेगी प्यार हुआ था वो हमेशा इतने मजे के ड्रामेटिक से बनाते हैं हम कहते हैं वाओ कितना प्यार है ऐसे फुल एच डी प्यारी प्यारे लोकेशन होते तो हैं सब कुछ होता है अब इसका भी जो था गाना बीच आसम की आवाज में आ, वो सुनाओ कहानी आओ सुनाओ कहानी मुख्तसर वो बहुत मजे उनकी आवाज अच्छी है उस जैसा लगा थोड़ा सा वो जो एक की ओस्टी थी वो बयान का गाना था दिन ढले रोजो शब्द रंगों की

हिब्बा बहुत प्यारी लगी मैं पता तो नहीं पहले टीजर दूसरे टीजर में हिबा बहुत प्यार तीसरे टीजर में पता नहीं हिबा का ड्रेस किसी ने पीछे चोरी कर लिया था तो उनका मास्टर साहब जल्द से कुछ सी दो मास्टर साहब ने जल्दी से जो ड्रेस किया उन्होंने पहन लिया बट सब बहुत अच्छे लगते हैं जो फिर लास्ट टीजर है वो बड़ा ड्रामिक सा था शेमर एक पूरे व्हाइट कमरे में से जजबाती होते पेंट कर रहे हैं आगे लगा रहे हैं डस्टबिन में मैं तो भी बहुत खुश हुई सारे टीचर्स को देख के अरसलान वहाँ पे रिंग बना रहे हैं बहुत दुखी दुखी रो रही है सब बहुत मजे की टीजर रखते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मजे की वाई बार मजा आएगा

वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैंने बेसाख्ता कमेंट किया लुकिंग ब्यूटीफुल हालांकि मैं बहुत कम कमेंट करता हूँ तो बहुत है? पहले लगी उनकी मास्टर स्किन ग्लो कर रही है और लग रही है डिफरेंट सा है। लुक है मैंने खुद बहुत मज़े मुझे अच्छी लगी जाहिद हिरा आते रहे बीच में बट अब मुझे थोड़ा था कि सही वाली वापस आ रही है ड्रामे की कहानी बड़ी मजे की हाँ। लग रही है मामिया भी होगी बड़ा पसंद है आखिरी प्यार बीच की कहानियां वार प्यार इंटेंस लग रहे है। कुछ अगर आई होप स्टोरी है अहमद और मामिया तो मैं बहुत एक्साइट में मज़ा आएगा इनका भी जो दूसरा टीजर भी है वो भी मजे का लग रहा है उसका बस मुझे थोड़ा सा नॉर्मल सा लग रहा है ड्रामे की टीजर पहले वाला थोड़ा फिल्मी सा लग रहा था ट्रेनों से निकले बेंचों पर बैठे तो ये दूसरे वाला जरा नॉर्मल था बट मैं कहानी के लिए बहुत रोमांटिक साइड तो बड़ा मजा आएगा देखने का यस आगे भी बात करते हैं ग्रीन के कुछ ड्रामे आ रहे हैं अभी सबसे पहले बात करते हैं सादिया खान और इमरान अब्बास का ड्रामा आ रहा है भाई इसके कुछ लुक सामने आए हैं और मैं तो होंगे पागल बहुत अच्छे लुक बहुत फिल्मी ग्रैंड कपड़े लोकेशंस मजा आ गया ये ब्लैक साड़ी में आके लोग ये व्हाइट में लोग ये रेड में लोग दोनों इतने अच्छा, अच्छे हमने लग तो रहे हैं कुदार नहीं जिन लोगों ने इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई थी तो बहुत लोग वेट कर रहे थे कब से इनकी जोड़ी वापस आएगी और फाइनल उनकी जोड़ी वापस आ गई साड़ियां पहनती पहनती लहराती हुई और मैं बड़ी हैरान उस हैरानी का नाम क्या होगा कुछ चमक से लिंक होगा ये हर टीजर के एंड पे एक पे लिखा हुआ स्पार्कलिंग सून एक पे लिखा हुआ ग्लोइंग सून एक पे लिखा हुआ शाइनिंग सून

और दिल पे दस्तक हाँ, हाँ, तो है ना वो ड्रामो के नाम आप कहीं कही ना कि आपको हो जाते हैं, जियो के ड्रामो के नाम बहुत लेट आए तो आप टाइम तो, उनको समझने का हाँ या, या, मतलब? याद रखने में तो इसका मुझे है कि होपफुली कुछ चमकीले से कुछ लिंक आएगा दोनों प्यारे लगने क्या स्टोरी होगी और ये जो टीजर्स करते हैं तो मजा आएगा गाड़ियों से निकल रहे हैं वो साड़ियाँ पहन रही तो मजा आएगा देखने का और एक और ड्रामे आ रहा है ग्रीन पर जिसकी बात मैं कहना चाह रहा था मैं सबकी बात की बात भी कर ले हां कर ले मोमेंट बात इसकी कास न शामिल नूर जफर असलान नसीर अली रहमान इसका भी एक टीजर आया तो मैं कह इसकी भी बात कर ले ड्रामा आ रहा है नूर प्यारी लग रही है मुझे मुझे मैंने जब कभी ड्रामों की बात डाली है ना शो में वो मैंने तब डाली जब कुछ अजीब से टीजरस आ रहे हैं जो हम यूथ को गेट करें वरना अम्मा टीवी में जब भी हाँ। की बात तो अच्छा आगे बढ़ते आपने बता दिया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लिस्ट जी हाँ बात करें बहुत बड़े बजट के बहुत बड़े ड्रामे के बारे में अभी इसका टीजर नहीं आया कोई लेकिन हाँ। अभी इसका एक फर्स्ट लुक आ चुका है बात करें हम करेंटल की और भाई फर्स्ट देखे तो हम हो गए हैं बहुत मैं बहुत सारे मैं एक्साइटेड सबके जो करेक्टर्स हैं जो उनकी थोड़ी थोड़ी झलकियां आई हैं कास्ट में शामिल हैं हुमायूं सईद यमुना जैदी अदनान सिद्दीकी जाहिद अहमद अली आबरू अहमद अली बट।

लेवल थ्री का जो है सितारे वो मिला बिला को सतीश आनंद को जवेद बशीर को फाखिर को और शबनम जी को ठीक है फाखिर लेवल थ्री पे है, है? अच्छा, okay. एक हिस्स में लेवल फोर तब त्याज है सजल जुगन काज शजात रफीक फिजा अली मिर्जा अमजदेख वास चौधरी और फारूक हसन वो ही मेरा एक सवाल जो जो मैंने पहले भी कहा था कि ये आपने खुद एक डिस्टिंक्शन बनाई है ना कि लेवल वन का टू का थ्री का तो कौन किस लेवल किस हिसाब से मुझे नहीं पता चलता अभी तक कि इसमें एग्जैक्टली exactly क्या लॉजिक है मेरा भी सवाल है क्या तो आप इन सबको खत्म कर दे एक पैड परफॉर्मेंस है आप वो कर दे उन लोगों को मिलेगा जो आ,

रहा है कपिल खान लेवल टू पे आई थिंक इन सबको भी पता है कि पता नहीं कुछ भी दे देंगे जब दिल करेगा जो भी मिल जाएगा तो सब भी खुश है हम खुशियां मना सकते हैं आप इस लेवल्स खत्म कर देना बस अब कर दें

साथ आता पक रही थी पहले कॉन्ट्रवर्सी ये थी कि भाई सरमद खूसट ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आके बताया कि भाई

वांट कि हम लोग #what's the वन वन को वापस लेकर आए yes. आई वांट आप लोग सवाल पूछे सवाल कुछ लोग सकते हो यार हमसे भी पूछ सकते हैं कुछ भी दिल का रहे पूछ ले हम तेरे तो से उनको वापस लेकर के हाँ. जब कभी शो थोड़ा छोटा लगे तो हाँ. हम लोग #what's the four 11 को वन खींच हाँ. लेंगे ज्यादा सवाल पूछे हम लोग है को सब्सक्राइब कर ले द